दिस इज माई लेक्चर ऑन स्कल बोन्स. तो शुरू करते हैं. द ब्लू कलर बोन विच यू सी इज द फ्रंटल बोन. इसका एक पार्ट आप देख रहे हैं ऑर्बिट के अंदर आ रहा है, जिसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल सर्फेस ऑफ द फ्रंटल बोन. नाउ ग्लैबेला जो एलिवेटेड पोर्शन है फ्रंटल बोन का, ऐसा क्यों है एलिवेशन? क्योंकि इसके पीछे फ्रंटल एयर साइनस है. वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको लेटरल व्यू से दिखाऊंगा स्कल को. अब नोच देखिए आप, सुप्रा ऑर्बिटल नोच. सुप्रा ऑर्बिटल नोच इसीलिए है क्योंकि सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी वेन एंड नर्व्स जो है वो इसके थ्रू जो है वो जा रही हैं. वो आ रही हैं सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से और जा रही हैं इस नोच से कहाँ पे? फोरहेड पे. तो ये जब मैं बताऊंगा आपको आर्टरी, ऑफ्थैल्मिक आर्टरी, जिसके ऊपर एक अलग लेक्चर लूंगा मैं ऑफ्थैल्मिक आर्टरी का. सो कमिंग टू द नेजल बोन विच यू सी इन दिस ऑरेंज कलर, दो साइड की लेफ्ट एंड राइट साइड सूचरिंग ईच अदर, और ऊपर की तरफ जो सूचर कर रही हैं विद द फ्रंटल बोन, तो एक ट्रायड का पॉइंट बन रहा है और ये ट्रायड का पॉइंट इज दैट द नेजियन पॉइंट. कमिंग टू द लैक्राइमल बोन, लैक्राइमल बोन जो आपको पर्पल कलर में दिख रही है, ये आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर का मैक्सिला पार्ट है, और मैक्सिला से जैसे ही हम ऑर्बिट के अंदर एंटर करते हैं यू सी द पर्पल कलर बोन विच इज मीडियल फर्स्ट बोन इन द ऑर्बिट नोन एज द लैक्राइमल बोन. उसके बाद जाइगोमेटिक बोन पे आइए आप. जाइगोमेटिक द फ्रंटल प्रोसेस, फ्रंटल प्रोसेस इसीलिए बोला बिकॉज दिस प्रोसेस सूचर्स विद द फ्रंटल बोन. ये जो फ्रंटल बोन है, ये जो फ्रंटल प्रोसेस ऑफ जाइगोमेटिक है, ये फ्रंटल ऑरेंज कलर का फ्रंटल प्रोसेस, ये सूचर कर रहा है इस फ्रंटल बोन के साथ, इसीलिए बोला मैंने फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द जाइगोमेटिक बोन. फिर है हमारा ऑर्बिटल प्रोसेस, क्योंकि ऑर्बिटल सरफेस, सो यू हैव टू सी द सरफेस एंड द प्रोसेस. सरफेस ऑर्बिट वाला है जो, वो सरफेस है, और प्रोसेस जो है वो बाहर है. जो हम बाहर देखेंगे सारी चीज़ें वो सारी प्रोसेस हैं, और जो इनवर्ड हम देखेंगे कैविटी के अंदर, तो वो सारे सरफेसेस हैं हमारे. यू कैन सी द टेम्पोरल प्रोसेस जो पीछे की तरफ जा रही है, द टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ द जाइगोमेटिक बोन सूचर्स विद द टेम्पोरल बोन, और उस सूचर पॉइंट को हम, जहाँ सूचर होगी वो टेम्पोरल बोन में, उसको हम बोलेंगे जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन. सो इट्स वेरी इजी, लेटरल व्यू से दिखाऊंगा तब आपको समझ आएगा. कमिंग टू द जाइगोमेटिको फेशियल फोरामेन, सो दिस इज द जाइगोमेटिको फेशियल फोरामेन, जहाँ से निकलती है जाइगोमेटिको फेशियल आर्टरी वेन एंड द नर्व. और ये डिवीजन एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी से जो आगे डिवीजन जाती है वो होती है हमारी जाइगोमेटिको ऑर्बिटल, जो डिवाइड हो जाएगी टेम्पोरल एंड जाइगोमेटिको फेशियल में. इसके ऊपर डिटेल लेक्चर लूंगा मैं, ईसी एंड द ऑल ऑफ द ब्रांचेस ऑफ ईसी, ये लेक्चर है मेरे पास इसका, आई विल अपलोड इट. नाउ सी द मैक्सिला, मैक्सिला ग्रीन कलर, और जाइगोमेटिक बोन से जो सूचर कर रहा है उसे हम बोलेंगे जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला. इट्स वेरी इजी. कमिंग टू द ऑर्बिटल सर्फेस, जो ऑर्बिट का इन्फीरियर वो बनाएगा, दैट इज ऑर्बिटल सर्फेस ऑफ द मैक्सिला. ईजी. जो ऑर्बिट के नीचे जो ये हमारा फोरामेन है, इसे हम बोलते हैं इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन, क्योंकि इसमें से आएगी इंफ्रा ऑर्बिटल हमारी, ये जो है इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन है, और इस इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन में से हमारी इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी जो है वो आएगी, आर्टरी नर्व एंड द वेसल, जितनी भी वेसल आएंगी. इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी जो डिवीजन है किसकी, मैक्सिलरी आर्टरी की, थर्ड पार्ट की, जो मैक्सिलरी आर्टरी का लास्ट पार्ट है थर्ड पार्ट, उसके अंदर सिक्स ब्रांचेस है, उसमें से एक आर्टरी ये भी है इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी. देख रहे हैं आप, इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर में से निकलेगी, और ग्रूव आपको अगर यहाँ नज़र आ रही है तो मैं दिखा देता हूँ, ये ग्रूव है, ये ग्रूव जो है यहाँ से निकलती हुई आएगी आगे इस फोरामेन में से बाहर निकल जाएगी, यहाँ सरफेस पे, यहाँ इंटीरियरली जो है वो यहाँ निकल जाएगी और एनास्टमोस करेगी और आर्टरीज के साथ. आर्टरीज के ऊपर मेरा पूरा लेक्चर है इसका, वो मैं अपलोड करूँगा. सो नाउ कमिंग टू द फ्रंटल प्रोसेस, फ्रंटल प्रोसेस, ये मैक्सिला की वो फ्रंटल प्रोसेस जो फ्रंटल बोन के साथ सूचर करेगा. दिस दिस बोन हेयर, द मैक्सिला विल सूचर विद दिस फ्रंटल बोन, एंड दिस इज नोन एज द फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला. ये जो लैक्राइमल बोन है, इसके अंदर एक फोसा है जो लैक्राइमल फोसा कहलाया जाता है, जिसके अंदर हमारा सुपीरियर कैनेलिकुलाई, इन्फीरियर कैनेलिकुलाई, लैक्राइमल सैक जो है वो यहाँ रहेगा, वो प्रेजेंट होगा इस, जो हमारा पूरा लैक्राइमल सैक है वो इस फोसा के अंदर प्रेजेंट होगा लैक्राइमल बोन के, और वहीं से निकलेगी हमारी नेजोसिलियरी डक्ट, आती हुई हमारी नोज के अंदर ओपन होगी कोंचा में जाके. नाउ दिस फ्रंटल प्रोसेस, इसके बाद आ जाते हैं हम एल्वियोलर प्रोसेस पे. तो एल्वियोलर प्रोसेस विच होल्ड्स द टूथ. एंटीरियर नेजल स्पाइन, दिस इज द एंटीरियर नेजल स्पाइन हेयर. नाउ कमिंग हेयर, दिस कोरोनल सूचर, व्हाई दिस इज नोन एज द कोरोनल सूचर, बिकॉज
दिस कोरोनल सूचर इज इन कोरोनल डायरेक्शन, जो हमारा कोरोनल सेक्शन है उसके अंदर जो है हमारा ये पैरेलल है कोरोनल सेक्शन से, और जो सजाइटल सेक्शन है उसके जो चीज़ पैरेलल होगी उसे हम बोलेंगे सजाइटल सूचर। एंड पैराइटल बोन और फ्रंटल बोन के बीच में जो होता है हमारा वो होता है कोरोनल सूचर इन कोरोनल डायरेक्शन। और जो हमारा फ्रंट नॉर्मा जो है मैं आपको सुपीरियर वोर से दिखाऊंगा जब ये सारे सूचर करवा दूंगा उसी में, इसी लेक्चर में है वो। नाउ कमिंग टू द पैराइटल बोन विच इज़ द ग्रीन कलर बोन, नेजियन मैंने आपको बता दिया, लेफ्ट एंड राइट साइड नेजियल बोन विल मीट ईच अदर विद द फ्रंटल बोन एंड दिस ट्राइड इज नोन एज द नेजियन। स्फीनोइडल बोन, अब ये ऑर्बिट जो है वो आप देखिए, स्फीनोइडल बोन, जैसे ही ये ग्रे कलर की बोन आपको दिखे दैट इज स्फीनोइड बोन विच इज लेटरल टू दिस पर्पल कलर बोन विच इज द लैक्राइमल बोन। ये स्फीनोइड, ये सॉरी द ग्रे कलर बोन इज द इथमोइड बोन और येल्लो कलर बोन इज द स्फीनोइड बोन। तो आप जैसे ही चलते हैं, बीच से चलते हैं, आप यहाँ से चलते हैं, ये आपकी जो पर्पल कलर है लैक्राइमल, फिर आई आपकी इथमोइड, फिर आई आपकी स्फीनोइड। तो ये आप याद रखेंगे कि इथमोइड जो होती है वो मिड लाइन में होती है और जो स्फीनोइड होती है वो थोड़ी सी लैटरल होती है इथमोइड के। तो मैं आपको जब ये डिटेल बताऊंगा ऑर्बिट का इसी लेक्चर के अंदर आपको समझ आ जाएगा, ऑर्बिट में डिटेल बताऊंगा आपको। लेजर विंग, ग्रेटर विंग, ऊपर वाली साइड लेजर विंग है जिसके अंदर हमारा ऑप्टिक कैनाल है, नीचे वाली साइड जो है हमारा वो है, दिस इज़ द लेजर विंग, दिस इज़ द ग्रेटर विंग। मैं बताऊंगा आपको लेटरल डायरेक्शन से पूरी स्कल बोन में आपको करवाने वाला हूं, तो आपको यहां टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरी की पूरा लेक्चर बना हुआ है स्कल बोन का ये। दिस इज़ द जाइगोमेटिक बोन, दिस इज़ द जाइगोमेटिक फेशियल फोरामेन। नाउ यू विल सी द इथमोइड बोन, होल ऑफ दीज थिंग आई विल टेल यू, द ऑर्बिटल प्लेट, द परपेंडिकुलर प्लेट। कमिंग टू कॉन्चास, यू हैव द इन्फीरियर कॉन्चा, यू हैव द मिडल कॉन्चास एंड द सुपीरियर कॉन्चा, जो आप यहाँ से नहीं देख सकते, तो ये ग्रे कलर से बना हुआ है, तो दैट इज़ द इथमोइड बोन विच इज़ मेकिंग दिस परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमोइड बोन एंड द सुपीरियर नेजल कोइन के। और ये जो इन्फीरियर नेजल कोइन है ये जो है वो हमारे इथमोइड बोन से नहीं बने हुए, वोमर आप देख रहे हैं, ये पिंक कलर में जो बना हुआ है वो वोमर है विच मेक्स द नेजल सेप्टम। I will tell you in detail about the nasal septum, all these ethmoid and sphenoid in this lecture only. This is the mandible. You can see the ramus of the mandible. You can see the body of the mandible. This white color, if you see, this is the oblique line of the mandible. And we have another amylohyoid ridge also in the mandible inferior view. But you cannot see from frontal view. You cannot see the inferior view. So you will not see the amylohyoid ridge. बिकॉज मैं यहाँ इसीलिए फोकस कर रहा हूँ माइलोहेड रिज का, क्योंकि ये जो ओब्लिक रिज है और माइलोहेड रिज है दोनों के दोनों पैरेलल है। ये जो है वो आप इन्फीरियर व्यू से देखेंगे, ये आप जो है वो सामने से देख रहे हैं। मेंटल फोरामेन आपने देखे, ट्यूबरकल जो दो साइड में उभरा हुआ पोर्शन है दैट इज ट्यूबरकल, और बीच में जहाँ ये इसे हम सिम्फाइसिस मेंटाई भी बोलते हैं, दिस इज अ जॉइंट बिटवीन द बोथ साइड ऑफ द मैंडिबल, बोथ साइड बॉडी जॉइंट्स हेयर मेकिंग दिस चिन, तो इसे हम बोलते हैं मेंटल प्रोट्यूबरेंस। तो प्रोट्यूबरेंस इज द एरिया बिटवीन द टू एलिवेशन, सो दिस इज द मेंटल प्रोट्यूबरेंस। साइड में दो मेंटल ट्यूबरकल है, इट इज जस्ट सिमिलर टू द ओसिपिटल। ओसिपिटल में हम बोलते हैं ओसिपिटल प्रोट्यूबरेंस, क्योंकि वो ऊपर इन्फीरियर, नीचे इन्फीरियर न्यूट्रल लाइन और सुपीरियर न्यूट्रल लाइन दोनों से बाउंड होता है, बीच में जो एरिया होता है दैट इज नोन एज द ओसिपिटल प्रोट्यूबरेंस। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड, सो आई वॉन्ट टू से दिस कि ये है हमारा राइट ऑर्बिट और फ्रंटल, सामने से हम देख रहे हैं स्लाइटली लेटरल, लेटरल कर रहे हैं हमने, जो स्कल है वो थोड़ी सी लेटरल को शिफ्ट कर दिया है ताकि आप बोन्स जो है वो इजीली देख ले। ऊपर से आपने देखी ऑर्बिटल सरफेस ऑफ द फ्रंटल बोन, ठीक है, ब्लू कलर के अंदर, फिर आपने रेड कलर के अंदर देखी ऑर्बिटल सरफेस ऑफ द जाइगोमेटिक बोन, ठीक है, ऑर्बिटल सरफेस ऑफ लेजर विंग ऑफ द स्फीनोइड, मैंने बोला था ऑप्टिक कैनाल जो होती है वो लेजर विंग ऑफ द स्फीनोइड में होती है, और जो हमारा सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है वो लेजर विंग और ग्रेटर विंग के नॉन आर्टिकुलेशन से होता है। लेजर विंग ग्रेटर विंग से यहाँ मिल नहीं रही, तो जिसकी वजह से यहाँ हमारा सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर बन चुका है, ठीक है। तो ये जो है हमारा इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर है, जो किससे बनेगी, इस ग्रीन कलर से। ग्रीन कलर इज व्हाट, द ऑर्बिटल सर्फेस ऑफ द मैक्सिला, और ग्रीन ऑर्बिटल सर्फेस ऑफ द मैक्सिला डोंट आर्टिकुलेट विद दिस ग्रेटर विंग ऑफ द स्फीनोइड, दैट इज वाई देयर इज अ स्पेस एंड द स्पेस इज नोन एज द इन्फीरियर इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर।
दिस इज द ऑर्बिटल सर्फेस ऑफ द जाइगोमेटिक बोन. ऑप्टिक कैनाल मैंने आपको बता दी, मैंने आपको स्फिनोइड बोन का ऑर्बिटल सर्फेस बता दिया, ग्रेटर विंग का बता दिया, लेसर विंग का बता दिया, जाइगोमेटिक फेशियल फोरामेन, दिस इज द जाइगोमेटिक फेशियल फोरामेन. फ्रॉम हेयर यू कैन सी दिस इज द ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड. स्फिनोइड के बारे में डिटेल बताऊंगा मैं, स्फिनोइड इथमोइड दोनों के बारे में आपको डिटेल समझाऊंगा इसी लेक्चर में. दिस इज द सुप्रा ऑर्बिटल नोच. नाउ यू सी द एंटीरियर इथमोइडल फोरामेनास. अब ये क्या चीज़ है, ये चीज होल्ड करेगी एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी, नर्व्स एंड वेन, और पीछे वाली होल्ड करेगी पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी, नर्व एंड वेन. तो ऐसे ये फोरामेनास हैं. आई कैन शो यू दिस फोरामेनास आर प्रेजेंट इन द क्रिस्टलाई. अगर मेरे पास यहाँ पे इसकी है अगर स्लाइड, तो आई विल शो यू हियर. आई थिंक दिस व्हाट आई एम टेलिंग यू इज दिस. द ग्रे कलर विच यू सी हेयर इज दिस. ये जो ग्रे कलर में आपको दिख रही है, ये ग्रे कलर में जो आपको दिख रही है, ये हमारी है इथमोइड बोन ग्रे कलर की. और ये बीच का जो एलिवेटेड है, जो दो साइड के जंक्शन, दो इथमोइडल लेफ्ट राइट को जोड़ रही है, दैट इज क्रिस्टलाई. ओके, सो दैट इज क्रिस्टलाई. और ये जो साइड में आप होल्स देख रहे हैं, ये कुछ नहीं है, ये क्रिब्बी फॉर्म प्लेट है. ये क्रिब्बी फॉर्म प्लेट ऐसी क्यों है, क्रिब्बी फॉर्म होल्स क्यों हैं इसके अंदर इतने, क्योंकि यहाँ से नर्व जाएंगे हमारी ओल्फैक्टरी नर्व्स, जो सीधा नोज में एंटर करती है, नेजल सेप्टम को एक राइट साइड, नेजल सेप्टम के एक लेफ्ट साइड जो है एंटर करती है हमारी ओल्फैक्टरी नर्व्स. और ये जो है वो हमें स्मेल करेंगी, स्मेल के लिए जाएंगी ये पीछे हमारे, तो यहाँ से निकलती है ओल्फैक्टरी नर्व्स, दैट इज व्हाई दिस इज द क्रिब्बी फॉर्म प्लेट. और यहाँ होते हैं हमारे दो फोरामेनास, द एंटीरियर इथमोइडल फोरामेना एंड द पोस्टीरियर इथमोइडल फोरामेना. फ्रॉम वेयर दिस एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी विल कम अप एंड दिस पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी विल कम अप. बोथ साइड, दोनों साइड जो है वो ये होते हैं. आई विल टेल यू अबाउट दिस ऑल्सो. नाउ मूविंग हेयर, फोरामेनास मैंने आपको बताया, ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द इथमोइड बोन. ओके, आई विल टेक अ डिटेल ऑफ इथमोइड बोन. तो ये ऑर्बिटल प्लेट है, जो परपेंडिकुलर चीज़ निकले किसी भी बोन से उसे हम बोलेंगे द प्लेट. सो ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द इथमोइड बोन, लैक्राइमल बोन यू हैव सीन, द लैक्राइमल फोसा यू हैव सीन, फोसा फॉर लैक्राइमल सैक, द ऑर्बिटल प्रोसेस ऑफ पैलेटीन बोन. नो, पैलेटीन बोन की दो प्रोसेस होती हैं. वन इज द ऑर्बिटल, यू कैन सी द ऑर्बिटल, द ट्रायंगुलर पिंक कलर एरिया, हेयर इज दिस ट्राइंगुलर पिंक कलर एरिया विच इज द ऑर्बिटल प्रोसेस ऑफ द पैलेटाइन बोन. एंड वन इज द पिरामिडल प्रोसेस ऑफ द पैलेटाइन बोन. नीचे से जब आपको मैं बेसालिस से आपको दिखाऊंगा पैलेटाइन बोन, जब आपको समझ आ जाएंगी पिरामिडल प्रोसेस. अभी आप ऑर्बिटल प्रोसेस देखिए. ऑर्बिटल सर्फेस ऑफ द मैक्सिला यू कैन सी, इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन यू कैन सी. सो दिस स्लाइड इज ओवर. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड. फ्रॉम द लेटरल व्यू, फ्रॉम द लेटरल व्यू हम स्टार्ट करते हैं इस साइड से, हाफ साइड से जो है हम वो इसे शुरू करते हैं. पैराइटल बोन, यू कैन सी द ग्रीन कलर बोन इज द पैराइटल बोन. द सूचर बिटवीन दिस ग्रीन कलर बोन एंड द ब्लू कलर बोन इज नोन एज द कोरोनल सूचर. ओके, टीरियन वेयर द फोर बोन मीट. नाउ यू कैन रिकॉग्नाइज दिस येलो कलर पोर्शन विच आई टोल्ड यू इज द स्फिनोइड बोन, ग्रेटर विंग, ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड. और ये जो ग्रे कलर में आप देख रहे हैं, ये है इथमोइड की परपेंडिकुलर प्लेट. व्हाट इज दिस परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द इथमोइड बोन, ग्रे कलर में ऑर्बिट के अंदर जो है मीडियल साइड, और लेटरल साइड जो हो जाती है वो हमारी आ जाती हैं स्फिनोइड की बोन. और ऑर्बिट के अंदर लेजर भी है, ग्रेटर भी है, लेकिन हम बाहर से जो देखते हैं दैट इज द ग्रेटर विंग. नाउ कमिंग दिस स्फिनोइडल बोन, आई टोल्ड यू दिस ग्रेटर विंग. ओके, द टीरियन इज द पोर्शन वेयर द फोर बोन मैट्स. So this is the linear part where the four bone met. The parietal bone, the greater wing of the ethmoid, the frontal bone, and this the temporal bone which is here in this pink color. Okay, this pink color bone is the temporal bone where this four meets is though known as the terion. Terion ki bhi ek khasiyat hai, middle meningeal artery jo hai, एंटीरियर डिवीजन टीरियन के अंदर लाइज करती है. अंदर वाली साइड से जब आप देखेंगे, मैं बताऊंगा फोसा, जब आपको मिडल क्रेनियल फोसा इसी लेक्चर के अंदर, तो आपको पता चलेगा एंटीरियर मिडल मेनेंजियल आर्टरी जो है वो यहाँ से गुजरती है, क्योंकि वो स्पाइनोसम से निकली. दो देगी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर आएगी टीरियन में, तो पोस्टीरियर जो है पोस्टीरियर पीछे चली जाएगी, एंटीरियर टीरियन. जब भी कोई एक्सीडेंट होगा तो ये जो हमारी एंटीरियर डिवीजन है मिडल मेनेंजियल आर्टरी की, वो हेमरेज हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज. जो हेमाटोमा बनेगा वो प्रेस करेगा हमारा किसको, अंदर को. और वहाँ सेरिब्रम का क्या लाई करता है, वहाँ सेरिब्रम का लाई करता है हमारा
यहाँ ये जो टीरियोन है वहाँ सेरिब्रम का हमारा लाई करता है फर्स्ट गायरस, दैट इज़ द मोटर एरिया, और मोटर एरिया के ऊपर प्रेशर पड़ने से हमारी ऑपोजिट हाफ ऑफ द बॉडी पैरालाइज हो जाएगी। टीरियोन पे से होल करेंगे हम, सारा हेमाटोमा ड्रेन करेंगे। सो दिस इज सर्जिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस टीरियोन विच आई टोल्ड यू हियर इज द सूचर ऑफ द फोर बोन। ओके, कमिंग टू द स्फिनोइडल बोन, आई टोल्ड यू द ग्रेटर विंग, उससे नीचे ये आप देखिए, आप जो ये हमारा ये है, यहाँ देखिए फ्रंटल बोन, ठीक है। फ्रंटल बोन का अपना सुपर ऑर्बिटल नोच आपने देख लिया, ग्लैबला आपने पता है। इथमोइडल बोन द ऑर्बिटल प्लेट, दिस इज द ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द इथमोइड बोन, सुपीरियर वो से भी आपको दिखाऊंगा इथमोइडल बोन। ये लैक्राइमल बोन आप देखिए, जो पिंक कलर आपको दिख रही है, दैट इज द लैक्राइमल बोन विच होल्ड्स द लैक्राइमल फोसा, या लिख रखा है यहाँ इन्होंने फोसा फॉर द लैक्राइमल सैक, यू कैन सी द फोसा फॉर द लैक्राइमल सैक। द नेजल बोन यू कैन सी इन द ऑरेंज कलर, द मैक्सिला यू कैन सी, नो मैक्सिला पार्ट्स, आई टोल्ड यू अबाउट द फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, ओके, इट्स वेरी इजी, सूचरिंग विद द फ्रंटल बोन, इन्फ्राऑर्बिटल फोरमेन ऑफ द मैक्सिला, ओके, दिस इज द फोरमेन, एंटीरियर नेजल स्पाइन ऑफ द मैक्सिला, ओके, वी हैव ऑल्सो अ पोस्टीरियर नेजल स्पाइन। धीरे धीरे लेक्चर आगे बढ़ेगा, आपको सब बोन्स के बारे में पता चलेगा स्कल के। Alveolar process of the maxilla. Now, don't think that maxilla is only these four parts only. Maxilla has many parts. The perpendicular plate of the maxilla, the palatine process of the maxilla. We have many maxilla's part. I will tell you, जैसे लेक्चर बढ़ेगा, ये जो अंदर जो जा रहा है ऊपर को, दैट पोर्शन ग्रीन कलर का, उसे हम बोलते हैं इन्फ्रा टेम्पोरल सर्फेस ऑफ द मैक्सिला। धीरे धीरे लेक्चर आगे बढ़ेगा तब आपको समझ आएगा सब कुछ। जाइगोमेटिक बोन के बारे में मैं आपको बता दूं, दैट इज द जाइगोमेटिक बोन, द जाइगोमेटिक ऑफेशियल फोरामेन यू सीन, द टेम्पोरल प्रोसेस, ओके, ठीक है, ये जाइगोमेटिक के बारे में मेरे को आपको बताना था। आगे वाली साइड से जाइगोमेटिक जुड़ेगी टेम्पोरल से, तो कहा जाएगा जाइगो टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ द जाइगोमेटिक बोन। पीछे वाली साइड से टेम्पोरल बोन जुड़ेगी जाइगोमेटिक बोन से, तो कहा जाएगा जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन। तो ऑफ के बाद हम वो चीज़ लगाएंगे जो बोन है, और आगे वो चीज़ लगाएंगे जहाँ प्रोसेस सूचर कर रही है। ओके, इट्स वेरी इजी। कमिंग टू दिस, अब ये राइट हाफ तो हो गया ना हमारा, ये रहेगा टेम्पोरल फोसा। यू कैन सी दिस डॉटेड स्ट्रक्चर, दिस ओल्ड डॉटेड विच होल्ड्स द टेम्पोरलिस मसल इज नोन एज द टेम्पोरल फोसा। सुपीरियर टेम्पोरल लाइंस आप नहीं देख पा रहे हैं, ये डॉट्स के नीचे, जस्ट नीचे जो है सुपीरियर टेम्पोरल लाइंस हैं। इन्फीरियर टेम्पोरल लाइंस आप देख लेंगे, ये इन्फीरियर टेम्पोरल लाइंस हैं। टेम्पोरल बोन जो है वो आप देख सकते हैं, द पार्ट विच इज़ इन द पिंक कलर इज़ द टेम्पोरल बोन। नाउ यू कैन सी द जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन, आई टोल्ड यू दिस इज़ द जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन, ओके, यू हैव सीन। कमिंग टू द आर्टिकुलर ट्यूबरकल, दिस इज द आर्टिकुलर ट्यूबरकल ऑफ द टेम्पोरल बोन। ये एरो जो है वो यहाँ आ रहा है, आर्टिकुलर ट्यूबरकल। ये ट्यूबरकल से आगे, ये हमारा कॉन्डाइलर प्रोसेस ऑफ द मैंडिबल, ये ट्यूबरकल से आगे जब ही निकलेगा, जब माउथ जो है वो वाइड ओपन होगा, इससे पहले नहीं निकलेगा, जब वाइड ओपन होगा तो ये आगे को जाएगा, एंड इस एंटीरियर ट्यूबरकल से आगे जो है हमारा कोंडाइल जो है वो निकल जाएगा। सो दिस इज द एंटीरियर आर्टिकुलर ट्यूबरकल, और ये जो मैंडिबल का जो ये नीचे ये डिप्रेशन आप देख रहे हैं, दैट इज नोन एज द मैंडिबुलर नोच। सो दिस इज द मैंडिबुलर नोच, दिस इज द आर्टिकुलर ट्यूबरकल, दिस इज द कोंडाइलर हेड ऑफ द मैंडिबल, दिस इज द कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ द मैंडिबल, दिस होल इज द रैमस ऑफ द मैंडिबल। और ये जो कोंडाइलर जहाँ फिट हो रहा है टेम्पोरल बोन के, उसको हम बोलेंगे मैंडिबुलर फोसा। Don't confuse with the mandibular fossa. Mandibular fossa is here the superior, and mandibular notch, which is here the inferior one. Okay? Dono bones mein difference aa jata hai, mandibular notch mein aur mandibular fossa mein. Coming to articular tubercle, humne bata diya. Uske baad, now this groove for posterior deep temporal artery, या deep temporal artery भी दो तरीके की होती है, anterior and posterior deep temporal artery। ये तभी आपको पता चलेगा जब आप maxillary artery पढ़ेंगे, उसके बीच वाला portion जिसे हम pterygoid part बोलते हैं, उसमें से निकलती है deep temporal artery। lecture मैंने ready कर रखा है इसके ऊपर, I will upload it soon। Okay, so arteries भी हमें head and neck की arteries के ऊपर lecture जो है वो दे दूंगा। supramastoid crest, now what is the mastoid bone, this is the mastoid bone, and what is the supramastoid crest, ये mastoid bone जब temporal से जुड़ेगी, और ये arch जो है zygomatic की, वो जब जुड़ेगी यहाँ पे, तो एक elevated portion तो होगा, क्योंकि ये भी flat surface, ये भी flat surface, flat surface जब जुड़ेंगे, तो यहाँ elevated portion तो बनेगा, elevated line तो यहाँ बनेगी, and this elevated line is known as the crest, and crest
क्योंकि एमास्टॉइड के ऊपर है, दैट इज द सुप्रामास्टॉइड क्रेस्ट. यू कैन सी द एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मीटस, यू कैन सी द मैस्टॉइड प्रोसेस वेरी इजिली, यू कैन सी द स्टाइलॉइड प्रोसेस वेरी इजिली. दिस इज द लैम्बडॉइड सूचर. जब आपको फ्रंट सुपीरियर व्यू से दिखाऊंगा तो लैम्बडॉइड सूचर के बारे में पता चलेगा. सूचरल बोन, द वॉर्मियन बोन, वॉर्मियन बिकॉज इट्स ऑफ नॉट डेफिनेट शेप, बच्चों के अंदर होती है ताकि स्कल जब जुड़े, क्योंकि स्कल के जो सूचर्स होते हैं उनमें बहुत गैप होता है, तो दिस सूचरल बोन इज मेड फॉर दिस पर्पस कि तीन बोन को सूचर कर सके. दैट इज द पैरेटल बोन्स. सामने वाले इन्फीरियर व्यू से देखें द एंटीरियर इन्फीरियर पार्ट विच इज द टेम्पोरल बोन, द पोस्टीरियर पार्ट विच इज द ओसिपिटल बोन, एंड दिस थिंग, दिस बोन, द सूचरल बोन एंड द वॉर्मियन बोन विल कनेक्ट दीज थ्री बोन्स. ओके, विल सूचर दीज थ्री बोन्स एज अ हीलिंग. हीलिंग मीन्स सूचर देना. सो दिस विल हील दिस थ्री बोन्स एट दिस पॉइंट, क्योंकि यहाँ गैप बहुत होता है. जैसे जैसे स्कल की डेवलपमेंट होती है छोटे से बच्चे से लेकर वो बड़ा होता है, तो सूचरल बोन भी जो है वो बढ़ जाती है. इट्स नथिंग बट अ कार्टिलेजिनस पार्ट एंड कोंड्रल ऑसिफिकेशन इसके अंदर होगी, गिविंग राइज टू दिस सूचरल बोन. ओके, सूचरल बोन का इन्फीरियर पॉइंट अगर आप देखें तो दिस इज द सूचरल पॉइंट, इन्फीरियर पॉइंट विच विल joined to this parietal bone and this temporal bone, and this point is known as sterion. A silent is ke andar aage wala portion tha terion, where the four bones are joining and it is the linear point, but it is a single point. You can see the sterion jahan sutural bone, inferior sutural bone joins with the parietal bone, joins with the temporal bone and the sutural bone. Okay, aur piche wali side jo purple hai wo puri hamari occipital bone hai. ओके, फिर उसके बाद ओसिपिटल, एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्यूबरेंस, इनियन बताऊंगा इनके बारे में. कमिंग टू लेटरल व्यू, मोर डीप ऑस्पेक्ट, जाइगोमेटिक बोन को काट दीजिए आप यहाँ से. दिस इज द कट जाइगोमेटिक बोन. नाउ व्हाट यू सी हेयर इज ऑल द इंफ्रा टेम्पोरल फोसा इन दिस डॉटेड स्ट्रक्चर, बिकॉज दिस इज द टेम्पोरल फोसा. अबव यू सी द टेम्पोरल फोसा एंड बिलो यू सी द इंफ्रा टेम्पोरल फोसा. इट्स वेरी इजी. ओके, तो अब आप यहाँ से शुरू कीजिए, यहाँ से शुरू कीजिए. इंफ्रा टेम्पोरल फोसा एक्सपोज बाय द रिमूवल ऑफ जाइगोमेटिक आर्च एंड द मैंडिबल. ओके, द टेरिगोम एक्सिलरी फिशर. नाउ यू कैन सी द टेरिगोम एक्सिलरी फिशर. दीज आर टू फिशर्स विच आर फॉर्म्ड वेयर. ये कौन सी बोन है हमारी? ये हमारी जो है वो ग्रेटर विंग ऑफ इथमोइड है, स्फीनोइड है. ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड जो हमारी बोन है उसकी बनती है एक टेरिगोइड प्रोसेस, और टेरिगोइड प्रोसेस से अराइज होती है दो चीज, एक लेटरल टेरिगोइड प्लेट और एक मीडियल टेरिगोइड प्लेट जो आप देख नहीं पा रहे इस समय. और मीडियल टेरिगोइड प्लेट की भी एक एक्सटेंशन हो गई टेरिगोइड हैमुलस. ये छोटा सा पार्ट आप देखिए, ये टेरिगोइड हैमुलस है. तो टेरिगोइड हैमुलस जॉइंड विद द मीडियल टेरिगोइड प्लेट विच इज फॉर्म्ड बाय द टेरिगोइड प्रोसेस एंड विच इज द पार्ट ऑफ अ ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड. ये पूरा नाम मैं आपको बताऊंगा. जनरली ये स्लाइड जिस चीज़ के लिए उस चीज़ पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं. यहाँ पे इंफ्रा टेम्पोरल सर्फेस ऑफ मैक्सिला मेरे को बताना था ग्रीन कलर का. आपने देख लिया इंफ्रा टेम्पोरल सर्फेस ऑफ द मैक्सिला, ठीक है. उसके बाद एलवियोलर फोरामिना आपने देख लिया, पोस्टीरियर सुपीरियर एलवियोलर आर्टरी के लिए. फिर से वही बोलूंगा, आर्टरी बताऊंगा तब आपको पता चलेगा. यहाँ से पोस्टीरियर सुपीरियर एलवियोलर आर्टरी जो है अंदर जाती है बोन के अंदर, एंड इट विल सप्लाई टू ऑल दिस मोलर्स एंड प्रीमोलर्स. नाउ ट्यूबरोसिटी ऑफ मैक्सिला. ओके, coming to the sphenoidal bone here, the greater wing of the sphenoid. I told you this is the greater wing of the sphenoid. Now infratemporal crest. अभी तक मैंने बताया था आपको supramastoid crest, and that was just the supramastoid crest above this mastoid process and temporal bone where they are joining. This is the supramastoid crest. Coming to the infratemporal crest, जैसे ही infratemporal fossa शुरू होता है वहाँ बनती है हमारी ये crest. Can you see this is the infratemporal crest? This is the infratemporal crest. And it lies where? It lies where? ये हमारी greater wing of sphenoid है और ये हमारी pterygoid process of the sphenoid है. और pterygoid process और greater wing of the sphenoid जहाँ से एक curvature बनाते हैं, and this curvature is simply known as the infratemporal crest. It's very easy. Now moving to the lateral plate of the pterygoid process. ठीक है, आप देख सकते हैं this is the lateral plate of pterygoid process of greater wing of sphenoid. Okay, it's easy. Now the hamulus part, this is the hamulus, the pterygoid hamulus of medial plate of pterygoid process of greater wing of sphenoid. You can't see the medial process kyunki wo lateral ke पीछे है, और आप यहाँ से नहीं देखेंगे, पीछे से देखेंगे तब आपको पता चलेगा. इसी लेक्चर में आपको ये क्लियर करवाऊंगा मैं स्फीनोइड इथमोइड के बारे में सब कुछ आपको. द फोसा विच लाइज बिटवीन दिस pterygoid process
And between this infratemporal fossa, infratemporal surface of the maxilla is this fossa, which is known as the pterygopalatine fossa. This pterygopalatine fossa is a hole here, and that is known as the sphenopalatine foramen, jahan se hamari aakhri maxillary artery ki branch, known as the sphenopalatine branch. Maxillary artery 15 branches hain. आखरी वाली जो स्पिनोपैलेटाइन आर्टरी है वो इस फोरामेन के थ्रू जाके अपनी लेटरल वॉल और मीडियल वॉल के जंक्शन पे पीछे वाली साइड से, दोनों साइड से निकलेगी. एक फोरामेन इधर है और एक फोरामेन दूसरी वाली साइड भी है. तो दो स्पिनोपैलेटाइन फोरामेन, एक आर्टरी इधर से स्पिनोपैलेटाइन, एक दूसरी तरफ से स्पिनोपैलेटाइन आर्टरी अंदर वाली साइड को जाएगी और लेटरल लेटरल वॉल को सप्लाई करेगी बाय द पोस्टीरियर लेटरल नेजल आर्टरी, और उस तरफ से भी ऐसे ही होगा और मीडियल सेप्टल को सप्लाई करेगी, दैट इज पोस्टीरियर नेजल सेप्टल आर्टरी. फिर से बता रहा हूँ, पोस्टीरियर नेजल सेप्टल आर्टरी, राइट साइड लेफ्ट साइड एनास्टोमोज ईच अदर. और ये जो आर्टरीज हैं इन सब का लेक्चर मेरे पास रेडी है, मैं आपको बाद में दूंगा, ये अपलोड करूंगा मैं बाद में. फर्स्ट यू विल नो दीज ऑल द बोन्स. पहले आप बोन के बारे में देखिए. The temporal bone, which is in the pink color, the external acoustic meatus, which I told you, the mandibular fossa I told you, the articular tubercle I told you, and the styloid process I told you. So these all things, the external external acoustic meatus, the and articular tubercle, the styloid process, the mastoid process, and all these I told you. Okay, nice. Next slide. So this is the next slide, the cut section. Now you will see this one. यहाँ देखिए आप sphenoid bone. This is the sphenoid bone. This is the lesser wing of the sphenoid. This is the anterior clinoid process. Or sphenoid bone abhi idhar ki to dikhegi nahi. So this is the lesser wing of the sphenoid and this is the greater wing of sphenoid. Jab aapko upar se dikhaunga tab aapko samajh aayega. Ye glabella dikhane ke liye, this is the frontal sinus, jiski wajah se glabella bahar wali taraf banta hai. Orange color mein nasal bone hai. Ye kya hai? Ye ethmoid bone hai. Maine bataya tha medial mein ethmoid bone hoti hai aur thoda sa lateral sphenoid hoti hai. Yellow color ki sphenoid, grey color ki ethmoid, and this perpendicular plate of the ethmoid bone will form the nasal septum. You can see very easily the nasal septum, most of the part formed by the perpendicular plate of this ethmoid bone, most of the part. Okay, now this is the frontal bone. Okay, this is the parietal bone, this is the occipital bone, here is the jugular foramen. Okay, you don't go on the base of the skull. Aap ye posterior cranial fossa ki taraf aap na jaye, aap yahan dhyan de maxilla. Maxilla मैं आपको करवाता हूँ क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ाया है. दिस इज द एंटीरियर नेजल स्पाइन ऑफ द मैक्सिला, यू कैन सी इजिली द इंसाइसिव कैनाल, यू कैन सी द इंसाइसिव कैनाल, और इंसाइसिव कैनाल जहाँ खुलती है दैट इज नोन एज द इंसाइसिव फोसा. इंसाइसिव फोसा, द इंसाइसिव कैनाल, द इंसाइसिव फोसा, द पैलेटीन प्रोसेस जो परपेंडिकुलर निकलेंगी कहाँ से, इंफ्रा टेम्पोरल सर्फेस ऑफ मैक्सिला से परपेंडिकुलर निकलेंगी दोनों साइड की पैलेटीन प्रोसेस अपने आप में सूचर करती हुई, making the part of a hard palate. Now a part of hard palate is also formed by the palatine bone, जो आपको देखना है. This palatine bone also forms the hard palate. ये आपको याद रखना है palatine bone का. तो palatine bone की दो process मैंने अब आपको बताई थी, the pyramidal process and the orbital सरफे ऑर्बिटल प्रोसेस. अब दोनों की दोनों ऑर्बिटल सरफेस, ऑर्बिटल प्रोसेस तो पिंक कलर में जो ट्रायंगुलर बोन थी बहुत छोटी सी वो मैंने आपको बता दी. द पिरामिडल प्रोसेस विल आई विल टेल यू लेटर ऑन दिस इन दिस लेक्चर ओनली. द इथमोइड बोन आई विल टेल यू इन डिटेल. द फ्रंटल बोन आई हैव टेल यू. दिस स्फीनोइड बोन आई हैव टोल्ड यू. जितना दिखता था यहाँ से स्फीनोइड मैंने आपको बता दिया. दिस इज अ साइनस पैराएयर नेजल साइनस, पैरानेजल एयर साइनस, एंड दिस इज द स्फीनोइडल एयर साइनस, दिस इज द फ्रंटल एयर साइनस. Okay, the temporal bone, the squamous means the flat part, and petrous means squamous and the petrous. The squamous means the flat part, and petrous means curved part. So you can see the temporal bone curved part here. This is the curved part, and this is the flat part here. So temporal bone भी आपको पता चल गया. Lambdoid suture, you see this lambdoid suture. आगे चलते हैं. ये आप आइए यहाँ पे. फ्रंटल बोन मैंने आपको बता दी, वो जो फ्रंटल एयर साइनस है वो बता दिया, नेजल बोन बता दी, इथमोइड बोन बता दी, इथमोइड बोन ऊपर से क्रिबिफॉर्म प्लेट बता दी, एंटीरियर पोस्टीरियर इथमोइडल फोरामिना बता दिए, सुपीरियर नेजल कौनचा, मिडल नेजल कौनचा, एंड इन्फीरियर नेजल कौनचा. कैन यू सी द सुपीरियर नेजल कौनचा इज फॉर्म्ड बाय द इथमोइड बोन, द मिडल नेजल कौनचा इज फॉर्म्ड बाय द इथमोइड बोन.
और ये कॉन्चास होते किस वॉल पे हैं, लेटरल वॉल पे होते हैं, एंड मिडल वॉल इज फाउंड बाय परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द इथेमोइड बोन। ये लैक्राइमल बोन आप अगर देख सकते हैं, दिस इज द लैक्राइमल बोन, ये ऊपर को जाता है इसका सरफेस लैक्राइमल बोन। ऑर्बिटल के अंदर जो है वो मीडियल साइड से शुरू करेंगे ऑर्बिट, तो लैक्राइमल बोन आपको दिखेगी पहले ही नंबर पे। इन्फीरियर नेजल कॉन्चा विच इज़ नॉट मेड बाय द इथमोइड बोन, ये रिमेंबर रखिए। सुपीरियर सिर्फ मिडल, सुपीरियर एंड मिडल, इन्फीरियर नेजल कॉन्चा इज नॉट फाउंड बाय द इथमोइड बोन। ओके, द मैक्सिला, द नेजल सर्फेस ऑफ द मैक्सिला, कैन यू सी द नेजल सर्फेस ऑफ द मैक्सिला? यस, यू हैव सीन द मैक्सिला नेजल सर्फेस। Palatine process, this is the palatine process. Alveolar process, these are the alveolar process which will holds the tooth. और maxilla का एक और surface जो nasal septum को बनाएगा is known as the perpendicular plate of the maxilla. अब ये देखिए maxilla के कितने surface हो गए, don't cram it, just learn it. Maxilla की nasal surface lateral wall में है, perpendicular plate medial wall में है, alveolar process tooth को hold करेगा, infratemporal surface जो इंफ्राटेम्पोरल फोसा के नीचे है, जो इंफ्राटेम्पोरल फोसा का मोस्ट ऑफ द पार्ट बनाएगा, कमिंग हेयर ओपनिंग ऑफ द स्फिनोइडल साइनस, स्फिनोइडल साइनस की ओपनिंग, द स्फिनोपैलेटाइन फोरामिना विच आई टोल्ड यू लेटरल वॉल पे खुलता है, फिर आर्टरी निकलती है स्फिनोपैलेटाइन, एंड देयर आर टू डिविजन्स ऑफ द स्फिनोपैलेटाइन आर्टरी दोनों साइड से लेटरल वॉल, ये आप उधर से भी देखिए और आप इधर से भी देखिए, तो दो आर्टरीज जाएंगी लेटरल वॉल पे, एक उधर से और एक इस वाली साइड से, और मिड वाले अंदर, तो मिड वाले के अंदर स्फिनोपैलेटाइन की दो ब्रांच एनास्टमोज ईच अदर। ओके, द स्फिनोपैलेटाइन आर्टरी कमिंग आउट फ्रॉम द स्फिनोपैलेटाइन फोरामेन टू सप्लाई टू दिस नोस लेटरल वॉल, ओके, ऑल्सो टू द मीडियल वॉल। दिस इज द स्फिनोइड बोन विच यू आर सीइंग इन येल्लो कलर, आई टोल्ड यू मीडियल आपने नहीं देख पाएंगे। सो ओके, ये जो है मेरी साइड से, जो मैं अपनी साइड से देख रहा हूँ, वो काट रखी है मेरी नेजल सेप्टम जो है वो कट कर रखा है, और अब आप जैसे ही देख रहे हैं वो देख रहे हैं आप मीडियल स्फिनोइड बोन, सो वी कॉल इट एज द मीडियल प्लेट, मीडियल टेरिगोइड प्लेट ऑफ टेरिगोइड प्रोसेस ऑफ ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड। ओके, सो this is the lateral which is here, the extension of medial forming the pterygoid hamulus, this is the body of the sphenoid bone, now the palatine bone, okay, palatine, once again the palatine bone forming the hard palate, this is the palatine bone jiske andar hamare do foramina hai, greater and lesser palatine foramina, aur ye jo hai wo hamara surface hai, this is known as the horizontal plate which will form the lateral wall, okay, and some part of the middle wall also, middle nasal wall also, middle nasal wall. Coming to the next slide, okay, now you can see the superior view, it's very easy, this is the frontal bone, you can see the coronal suture, you can see, and this is the sagittal suture, you can see sagittal, jo mid sagittal, sagittal section jo right or left ko divide kare, coronal jo anterior posterior ko divide kare, bragma, the point where the two parietal bone meets with the frontal bone is known as the bragma, okay, सजाइटल मैंने आपको बताया, पैराइटल मैंने आपको बता दिया, बोन पैराइटल फोरामेन आर देयर फॉर द इमेजरी वेंस, ओके, आई विल टेक द लेक्चर ऑन स्काल्प आल्सो, आई विल टेल यू अबाउट द इमेजरी वेंस। लैम्डा, कैन यू सी द लैम्डा, लैम्डा इज द पॉइंट वेयर द टू पैराइटल बोन मीट्स विद ऑसिपिटल बोन, एंड यू कैन सी द सूचरल बोन ऑल्सो विच इज ऑल्सो नोन एज द वॉर्मियन बोन, और इस वॉर्मियन बोन का जैसे मैंने आपको बताया था इन्फीरियर पॉइंट मीटिंग विद दिस बोन, मीटिंग विद दिस पॉइंट this bone and some part of the temporal bone, because in this diagram the temporal bone is missing here, because if you see here this is the temporal bone in red color, you can see this is the temporal bone in red color, you can see this is the temporal bone in the red color, you can see the sterion here, the red color bone, kyunki yahan mastoid process aap dekh nahi payenge, upar se dekh rahe hain to mastoid process aapko dikhega hi nahi, so okay, now I want to tell you this, come to this part, यहाँ से शुरू करते हैं, ये जो है वो हमारी जो है वो ग्रे कलर में इथमोइड बोन है, ये बीच का सेंट्रल एलिवेशन पोर्शन जो है वो क्रिस्टा कहलाई है, ये क्रिब्बी फॉर्म प्लेट है फॉर ऑल्फैक्टरी नर्व्स, एक एंटीरियर इथमोइडल फोरामिना, एक पोस्टीरियर इथमोइडल फोरामिना, which will holds what the anterior and posterior ethmoidal artery, vein and the nerve, okay, arteries, ophthalmic arteries, jab lecture lunga tab aapko pata chal jayega iske bare mein, can you see the frontal bone, okay, the ethmoid bone, okay, left and right ethmoid junction, crista cali, coming to the
sphenoid bone. The old thing you seeing in the yellow color is what is the sphenoid bone. This yellow color bone is the sphenoid bone. Now this portion is known as the body of sphenoid bone. Aage wala wing bola jata hai, lesser wing of the sphenoid bone. Ye bahut bada wing hai, isiliye bola jata hai lateral wala. Latero inferior thoda sa niche bhi hai, that is the greater wing of the sphenoid bone. What you have is this extension is known as the anterior clinoid process, and you have also a posterior clinoid process. Dheere dheere sphenoid bone jaise jaise aapko aayegi tab samajh aayega. Coming to the body ke baad jaise hi cheez aati hai, we have a fossa and we have a groove. ग्रूव है तो जाहिर सी बात है यहाँ एलिवेशन मिलेगी, यहाँ एलिवेशन मिलेगी, फिर फोसा आया तो यहाँ एलिवेशन मिलेगी. वी हैव थ्री एलिवेशन और तीनों के नाम है, सो वी विल डू अबाउट दिस. द फर्स्ट ग्रूव यू सी, द फर्स्ट ग्रूव यू सी इज नोन एज द प्री कायजमैटिक ग्रूव, क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिक कायजमा जो बनेगा, दिस इज द ऑप्टिक कायजमा, और ये जो ऑप्टिक कायजमा है दिस लाइज इन दिस ग्रूव. Diencephalon ka part hai. I will also take a lecture on the diencephalon, this optic chiasma which is just above the hypothalamus. तो ये जो hypothalamus इसके नीचे है और ये हमारा optic chiasma है, इसका ये portion जो है वो lies करेगा इस groove के अंदर. नाम रख दिया pre-chiasmatic groove. ये सामने जा रहा है आँखों के अंदर और ये side में से जा रहा है LGV, the lateral geniculate. बॉडी ऑफ द थैलेमस, फिर एल जी बी से इन्फीरियर सुपीरियर कोलिकुलस, सुपीरियर कोलिकुलस से विजुअल एरिया. मैंने आपको यहाँ पाथवे भी बता दिया विजुअल का, विजुअल इम्पल्सिस का, अपना ऑप्टिक नर्व का. ठीक है, मैं लेक्चर लूँगा डायंसिफ्लोन के ऊपर भी. यू हैव टू ओनली नो दिस ग्रूव. दिस ग्रूव इज नोन एज द ग्रूव इज नोन एज द प्री कायजमैटिक ग्रूव. ओके, नाउ दिस एरिया विच इज एलिवेटेड, एक यहाँ भी एलिवेटेड और एक यहाँ भी एलिवेटेड, जब ही तो फोसा बना. तो जो ये एलिवेशन है उसे हम बोलेंगे, व्हाट वी कॉल इट एज द ट्यूबरकुलम सेले. यू कैन सी हियर द ट्यूबरकुलम सेले, दिस इज द ट्यूबरकुलम सेले, दिस इज द डोर्सम सेले, इट्स रिटन हियर, एंड द सेंट्रल पोर्शन इज नोन एज द हाइपोफिशियल फोसा, जिसके अंदर हमारी हाइपोफिसिस सेरिब्राई आएगी, एंड दिस इज द अनदर नेम फॉर पिट्यूटरी ग्लैंड. तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारा यहाँ आके रेस्ट करेगा. येलो पोर्शन अभी भी बचा हुआ है, तो ये जो येलो पोर्शन अभी भी जो बचा हुआ है, दैट इज नथिंग बट द स्फीनोइड बोन. एंड दिस स्फीनोइड बोन, कैन यू सी, दिस इज द ब्लू कलर और यू कैन से समवट पर्पल कलर, इज नथिंग बट द ओसिपिटल बोन. और ये जो आप देख रहे हैं वो है फोरामेन मैग्नम. ओके, तो फोरामेन मैग्नम से अगर मैं आपको ये जूम आउट करके दिखाऊं, आप फोसास की पहले बाउंड्रीज चेक कीजिए. द एंटीरियर क्रेनियल फोसा विच होल्ड्स द लेजर विंग ऑफ द स्फीनोइड, द एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस, द जुगम स्फीनोइडल विच इज द बॉडी ऑफ स्फीनोइड. मैंने आपको जुगम स्फीनोइडल शायद नाम नहीं बताया, इट्स अदर नेम फॉर द बॉडी ऑफ द स्फीनोइड. ओके, सो दिस इज द प्री कायजमैटिक ग्रूव, दिस इज द ट्यूबरकुलम सेले, दिस इज द हाइपोफिसल फोसा, दिस इज द डोर्सम सेले, एंड व्हाट्स दिस नाउ, द स्फीनोइड बोन विच इज एंडिंग हेयर. ओके, सो दिस इज द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द स्फीनोइड बोन मीटिंग विद द ओसिपिटल बोन. अब ये जो ओसिपिटल बोन है, अब ये ध्यान से देखिए, मिडल पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर दो चीज़ें आती हैं, ये हमारी स्फीनोइड भी आती है, ओसिपिटल भी आती है, और ओसिपिटल और स्फीनोइड का सूचर आपको दिख ही रहा होगा. जो ये पोर्शन है इसे हम बोलते हैं क्लीवस, और जो ये पोर्शन है इसे भी हम क्लीवस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? क्लीवस, CLIVUS, दिस इज द क्लीवस. ऊपर वाला भी क्लीवस, नीचे वाला भी क्लीवस, पीछे वाला भी क्लीवस, आगे वाला भी, पीछे वाला भी, दोनों पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में है, तो नाम कैसे रखा जाएगा? द क्लीवस ऑफ स्फीनोइड बोन, द क्लीवस ऑफ ओसिपिटल बोन. सो नेम डिवाइड्स लाइक दिस. ओके, अब क्लीवस भी मैंने आपको बता दिया. कमिंग टू द ग्रेटर विंग ऑफ द स्फीनोइड, अब ये पोस्टीरियर क्लिनोइड प्रोसेस आपने देखा, दिस इज द डोर्सम सेले, और डोर्सम सेले की एक्सटेंशन साइड में जो जा रही है, दैट इज द पोस्टीरियर क्लिनोइड प्रोसेस. ओके, सो दिस इज द पोस्टीरियर क्लिनोइड प्रोसेस, दिस इज द पोस्टीरियर क्लिनोइड प्रोसेस. नो, कैन यू सी द ऑप्टिक फॉर ऑप्टिक कैनाल जो मैंने आपको बताया था, वो कहाँ होगा? वो लेजर, जो हमारी लेजर विंग ऑफ द स्फीनोइड है उसके अंदर होल है, दैट इज, दिस होल इज नोन एज द ऑप्टिक कैनाल, and this is known as the superior orbital fissure. Lesser or greater wing ke andar non articulation hai, meet nahi ho rahe, suture nahi bana rahe, that is why this portion, the hole you see here is the superior orbital fissure. agar wo judi jate to superior orbital fissure banta hi kaise? okay, to aapne superior orbital fissure bhi dekh liya yahan pe.
तो अब आप फोरामेंस भी देख लीजिए. तो दिस इज द रोटेंडम, दिस इज द ओवेल एंड दिस इज द स्पाइनोसम एंड दिस इज द लेसरम. याद करने का तरीका रोस, आर ओ एस, रोस, द रोटेंडम, द ओवेल, द स्पाइनोसम एंड दिस इज द लेसरम. ओके, सो दिस ऑल आर प्रेजेंट इन द ग्रेटर विंग ऑफ द स्पिनोइड बोन. नाउ अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बताऊँ तो यू विल सी दिस इज द स्पाइनोसम फोरामेन, जहाँ से निकलती है हमारी मिडल मेनेंजियल आर्टरी. एंड दिस मिडल मेनेंजियल आर्टरी फॉर सर्जन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टरी. इफ आई से अगर एक्सीडेंट हुआ है तो मिडल मेनेंजियल आर्टरी एक सर्जन को पता होनी चाहिए. जैसे ही निकली, क्या ग्रूव देख पा रहे हैं आप, ये टेम्पोरल बोन के अंदर और ये ग्रेटर विंग ऑफ द स्पिनोइड के अंदर, ये वही ग्रूव है जहाँ मैंने बोला था एंटीरियर मिडल मेनेंजियल आर्टरी, द पोस्टीरियर मिडल मेनेंजियल आर्टरी. क्या देख पा रहे हैं, एंटीरियर मिडल मेनेंजियल आर्टरी इस ग्रूव से होती हुई टीरियन के पास ही जा रही है और टीरियन में से ही मेरे को होल करना है ताकि मैं हेमेटोमा ड्रेन कर सकूं, क्योंकि एंटीरियर इज मोर प्रोन टू सब हीमरेज, विच इज नोन मोस्ट common in this anterior division of middle meningeal artery which is coming from the foramen spinosum. ठीक है, टीरियन के बारे में मैंने आपको बताया था, तभी ये बता दिया था कि होल्ड करेंगे एंड वी विल ड्रेन आउट द हेमेटोमा विच इज प्रेसिंग द मोटर एरिया एंड कॉजिंग पैरालिसिस ऑफ अदर साइड ऑफ द बॉडी. ओके, द स्क्वामस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन आई टोल्ड यू विच इज द फ्लैट पोर्शन एंड द पीटरस पार्ट, घुमा हुआ कर्ड पोर्शन इज द पीटरस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल फोसा, द टेम्पोरल बोन. ओके, आई टोल्ड यू दिस ऑल्सो. नाउ समथिंग टू नो अबाउट द स्पिनोइड बोन फ्रॉम पीछे वाले डायरेक्शन से. ओके, फ्रॉम द पोस्टीरियर व्यू कैन यू सी दिस, वट इज दिस, दिस इज द perpendicular plate of the ethmoid bone. It's very easy. The perpendicular plate of the ethmoid bone you are seeing here. Side में दो आप देख रहे हैं, क्या हैं ये दो side में, ये जो दो side में हैं इनका extension भी है, ये medial pterygoid plate है. क्या बोलेंगे आप इसे, medial pterygoid plate of pterygoid process of greater wing of sphenoid bone. Okay, it's easy. लर्न इट बाय लॉजिक, डोंट क्रैम इट, लॉजिक से ही याद होगा ये. यू डोंट हैव टू क्रैम इट. दिस इज द मीडियल प्लेट ऑफ द टेरिगॉइड प्रोसेस ऑफ द ग्रेटर विंग ऑफ द स्पिनोइड. दिस इज द टेरिगॉइड एमुलस ऑफ द मीडियल प्लेट ऑफ द टेरिगॉइड प्रोसेस ऑफ द ग्रेटर विंग ऑफ द स्पिनोइड. एंड वी हैव ऑल्सो द लैटरल प्लेट. दिस इज द लैटरल प्लेट, यू कैन ईजिली सी. और लैटरल प्लेट मैक्सिला के साथ जुड़ रही है, ये सामने की तरफ जो है वो हमारा मैक्सिला है, ये जुड़ रही है मैक्सिला, एक जगह नहीं जुड़ेगी जहाँ फोसा बनेगा. तो आप ये देख रहे हैं दिस आर्टिकुलेशन एंड दिस आर्टिकुलेशन, दिस मैक्सिला, दिस पार्ट इज नोन एज इंफ्रा टेम्पोरल सरफेस ऑफ द मैक्सिला. साइड में से दिखाया था आपको, दिखा दिया था मैंने आपको ये दो चीज, लेटरल और इंफ्रा टेम्पोरल फोसा एक जगह नहीं जुड़ते, जिसे हम बोलते हैं व्हाट, द टेरिगो पैलेटाइन फोसा, जिसके अंदर है स्पिनो पैलेटाइन फोरामेन, जहाँ से स्पिनोइडल क्या जाएगी, स्पिनो पैलेटाइन आर्टरी, और जो क्या सप्लाई करेगी, लेटरल वॉल को भी, मीडियल वॉल को भी सप्लाई करेगी. पीछे से आप देख रहे हैं तो आप इसे बोल देंगे पोस्टीरियर नेयर्स, आगे से अगर आप देखें तो ये वाइट कलर का, इसे बोल देंगे आप एंटीरियर नेयर्स. ओके, इट्स ईजी, द पोस्टीरियर नेयर्स, द एंटीरियर नेयर्स, द होलो स्पेस. ओके, सो वी हैव द कॉन्चास हेयर, अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं, दिस इज द इन्फीरियर कॉन्चा, दिस इज द मिडल कॉन्चा, दिस इज द मिडल कॉन्चा, दिस इज द इन्फीरियर कॉन्चा, विच आर फॉर्म्ड बाय इथमोइड बोन. दिस इज द परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द इथमोइड बोन एंड दीज आर द एक्सटेंशंस ऑफ इथमोइड बोन फॉर्मिंग द कॉन्चास. ओके ओके, यू हैव नोन अबाउट द स्पिनोइड ऑल्सो. नाउ यू, आपको स्पिनोइड के बारे में जो है वो मैंने आपको बता दिया. यू कैन सी द स्टाइलॉइड प्रोसेस, यू कैन सी द मेस्टॉइड प्रोसेस, यू कैन सी द मेस्टॉइड फोरामेन, यू कैन सी द एक्सटर्नल ओसिपिटल क्रेस्ट. दिस इज द क्रेस्ट, द एक्सटर्नल ओसिपिटल क्रेस्ट, द सुपीरियर न्यूट्रल लाइन्स एंड द इन्फीरियर न्यूट्रल लाइन, द सुपीरियर एंड द इन, ये यहाँ पे जो है वो मार्किंग नहीं कर पा रहे हैं, ये इससे भी थोड़ा सा 2 mm ऊपर लेके चलिए, इससे 2 mm ऊपर जो है वो हमारा ये सुपीरियर न्यूट्रल लाइन और ये इन्फीरियर न्यूट्रल लाइन. एंड द मिडल पोर्शन ऑफ दिस इज नोन एज व्हाट, द प्रोट्यूबरेंस. इजी, द प्रोट्यूबरेंस, द ओसिपिटल प्रोट्यूबरेंस. ओके, नाउ कम ऑन दिस मैक्सिला पोर्शन, दिस इज द इंसाइसिव फोसा, यू कैन सी. ओके, दिस इज द इंसाइसिव फोसा, इज दिस ऑल्सो डिवाइडेड, आगे वाला पोर्शन पैलेटीन प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला और पीछे वाला पैलेटीन बोन है, जिसके दो प्रोसेस थे, एक ऑर्बिटल प्रोसेस था और एक पिरामिडल प्रोसेस था. क्लियर दिखाता हूँ, मेरे पास होगी स्लाइड इसकी भी. यस, हेयर इज द स्लाइड विच आई एम टॉकिंग यू, द मैक्सिला, यू कैन सी इन दिस द मैक्सिला
Okay, so this is the palatine process of the maxilla. This is the palatine bone and hole is this making the hard palate. Soft palate ke niche koi bone nahi hoti. These are the posterior nares. Okay, you can also see the concha if you can see, if you can appreciate this bony structure. This is the concha, agar aap clear view mein se dekhenge. This is the pyramidal process and you see the hair greater palatine foramina and the lesser palatine foramina. Aisa kyun hai? The greater palatine foramina will hold the greater palatine artery jo aage aake incisive fossa ke andar, incisive canal ke andar chali jayegi. Sphenopalatine ke saath kya karegi? Anastomose karegi. Arteries ke upar lecture hai, I will give a lecture on arteries also. Lesser palatine foramina, greater and lesser palatine foramina banaye gaye hain kiske liye? Greater and lesser palatine vessels ke liye banaye gaye hain. The greater palatine foramina, the lesser palatine foramina, and this is what the posterior nasal spine. Maine wahan bola tha anterior nasal spine hoti hai. You also have the posterior nasal spine. Okay, this is the pyramidal process, the pyramidal process of the palatine bone, and we have the orbital process of the palatine bone, which I told you before only. So maine orbit karaya tha. Coming to this vomer, तो वोमर देखिए आप, मीडियल सेप्टम को सबसे आखिरी में जो बना रहा है वो वोमर होता है, जो आखिरी में बना है दैट इज द वोमर. नाउ यू कैन सी द वोमर अला पार्ट ऑल्सो. अब अला जो है वो हमारा ये है वोमर का अला पार्ट, ठीक है, जो हमारा अलार कार्टिलेज को जन्म देगा, दैट इज द अला पार्ट. दिस इज द फोरामेन मैग्नम. ये येलो कलर में जो आप देख रहे हैं वो सारी की सारी स्फीनोइड है. मैंने आपको बता दिया दिस इज द मीडियल प्लेट, दिस इज द लेटरल प्लेट. ओके, मीडियल प्लेट के एक्सटेंशन को टेरिगोइड हेमुलस बोलते हैं. यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस इज द एक्सटेंशन हेयर. ओके, सो दिस इज द ग्रेटर विंग ऑफ द स्फीनोइड बोन. ओके, द जायगोमेटिक बोन, द मैक्सिला, एंड वट इज दिस, द इंफ्राटेम्पोरल सर्फेस ऑफ द मैक्सिला. एंड आई टोल्ड यू कि ये दोनों आपस में जो है वो मर्ज नहीं होते, वहाँ एक गैप बन जाता है फोसा, दैट इज नोन एज द ग्रेटर पैलेटिन फोसा. ये जो आप देख लीजिए, ये जो आप देख सकते हैं, यहाँ हमारा जो है कोंडाइलर आके फिट होगा, कोंडाइल हेड मैंडिबल का आके फिट होगा, दैट इज नोन एज द मैंडिबुलर फोसा. एंड ऑल दिस थिंग आई टोल्ड यू. नाउ आई एम कमिंग टू दिस. ये देखिए आप, ये जो है वो हमारी मीडियल वॉल है, क्योंकि इस पर कोई भी कौनसा नहीं है. ओके, दिस इज द मीडियल वॉल, मीजल मीडियल नेजल सेप्टम. सो दिस द ग्रीन कलर पोर्शन इज वॉट? मैक्सिला. मैक्सिला का ग्रीन कलर पोर्शन है. मैक्सिला इज अ ग्रीन कलर बोन. है तो येलो कलर की, बट इन दिस ओनली द डायग्रामेटिक व्यू इज द ग्रीन कलर. आई एम टेलिंग कि मैक्सिला स्टार्टिंग से ही ग्रीन कलर है, तो ये ग्रीन कलर से ही है. ये पर्पल कलर, चूंकि ये फोटो जो है वो दूसरी फोटो से मैच नहीं हो रही. आई हैव टू टेल यू ऑल दिस थिंग. दिस इज द मैक्सिला, द परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द मैक्सिला विच इज फॉर्मिंग द मिडल नेजल सेप्टम, द मीडियल नेजल वॉल. ओके, the perpendicular, the ethmoid bone, which is the perpendicular plate of the ethmoid bone, the purple color here, actually green color mein hoti hai, and these are all the cribriform plate here, and can you see the cristalli over here? This is the cristalli. If you are seeing, yahan do holes bhi hote hain, maine aapko bataya tha, anterior and posterior ethmoidal foraminas for anterior ethmoidal, posterior ethmoidal arteries, vein and nerve. Okay, this is the palatine bone, जो आपने आपने देख के आए हो अभी अब पीछे वाली स्लाइड में. ये जो है वो alveolar process है, and all these is the palatine process of the maxilla. This is the cartilage part. Okay, the septal cartilage, we call it as septal cartilage. Ethmoid bone आपको पता चल गई, frontal bone आपको पता चल गई, ठीक है. ये साइनस पता आपको, फ्रंटल बोन का साइनस. दिस इज द नेजल बोन, जो ऑरेंज कलर में थी, लेफ्ट राइट मीटिंग विद द फ्रंटल बोन, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज द नेजन, ठीक है. दिस इज द स्फीनोइड, एंड दिस इज व्हाट द हाइपोफिसल फोसा इज, और उसका आगे का एलिवेशन और पीछे का एलिवेशन. आगे का एलिवेशन इज नोन एज द ट्यूबरकुलम सेले, पीछे का एलिवेशन इज नोन एज द डोर्सम सेले. बीच वाला हाइपोफिसल फोसा है. Body of the sphenoid known as the jugum sphenoidale, and what's this is the paranasal layer sinus, and what's it? The sphenoidal layer sinus. Okay, you know about the sphenoidal layer sinus. Can we go for the plates? चले प्लेट्स पे चलते हैं. दिस इज द टेरिगॉइड प्रोसेस. कमिंग टू द प्लेट्स, वी हैव दिस, द एक्सटेंशन इज द टेरिगॉइड हैमुलस ऑफ दिस मीडियल टेरिगॉइड प्लेट ऑफ द टेरिगॉइड प्रोसेस ऑफ द ग्रेटर विंग ऑफ द स्फीनॉइड बोन. एंड यू कैन सी सिंपल द स्फीनॉइड बोन. दिस इज द लेटरल प्लेट, यू कैन नॉट सी फ्रॉम हेयर. ओके, दिस इज द लेटरल. तो ये भी मैंने आपको सारा इसके अंदर बता दिया है. ये देखिए आप,
What I'm telling you is the greater and lesser palatine foramina. This is the greater palatine foramina and this is the lesser palatine foramina. यहाँ से निकलेगी तो पीछे सप्लाई करेगी आर्टरी, यहाँ से निकलेगी तो आगे को जाएगी सिंसाइजिव कैनाल के अंदर चली जाएगी, एनास्टमोस करेगी स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी के साथ. आर्टरी के ऊपर एक लेक्चर और बना हुआ है. दिस द एंटीरियर पोर्शन इज नोन एज द palatine process of the maxilla, perpendicular suturing in between. Okay, so this is the suture here. Can you see what is this? The palatine bone is this. आपको पता है, ठीक है, the palatine bone. आगे चलते हैं. These ये मैंने बनाया था कि anterior ethmoidal foramen बताऊँगा, तो वह आपको बताऊँगा कि ophthalmic के अंदर. वैसे तो मैं बताने वाला हूँ, ये ophthalmic artery यहाँ से शुरू होगी, external carotid दो में divide हो जाती है, the major ophthalmic trunk and the lacrimal artery. The major ophthalmic trunk lacrimal gland यहाँ है, तो ये lacrimal artery lateral side होती है, medial side होती है वो हमारी major ophthalmic trunk. और इस major ophthalmic trunk में से यहाँ दो foramen है, ये anterior ethmoidal foramen, ये posterior ethmoidal foramen. क्या देख सकते हैं, ये बोन काटी हुई है मैंने यहाँ से, ये यहाँ से बोन कटी हुई है और यहाँ नीचे से ही आ रहे हैं और ऊपर वाली तरफ जो है वो एंटीरियर क्रैनियल फोसा में जो हमारी दो आर्टरी हैं वो निकल रही है, ऐसे वेन ऐसे ही नर्व निकलती है. सो ये फोरामिना दिखाने के लिए मैंने बताए थे आपको, एंटीरियर इथमोइडल फोरामिना एंड पोस्टीरियर इथमोइडल फोरामिना. सो आई थिंक द लेक्चर इज ओवर बिकॉज ऑल द स्लाइड्स आर ओवर. अगर कुछ रहता भी है तो मैं सबटाइटल लगा दूंगा पीछे एडिट करने के लिए. वैसे भी आई हैव मेक अ लॉन्ग वीडियो बट इट्स अ वेरी नाइस वीडियो. इफ यू स्टडी ऑल दी स्लाइड्स इट्स वेरी इजी, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. ओके, दिस इज़ फॉर रिवीजन वन, कि मैं रिवीजन करवाऊंगा आपकी कि कौन सी चीज़ आपको आई या फिर नहीं आई. तो ये जो है वो हमारी टेम्पोरल बोन है, देखिए अपने टेम्पोरल बोन. अब ये सूचर आप मेरे को बता दीजिए जो मैंने आपको नहीं बताया. चलो ठीक है, ये यहीं से मेरे को पता चल गया कि एक सूचर मैंने आपको नहीं बताया, दैट इज़ नोन एज द स्क्वामसल सूचर. यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्क्वामसल सूचर है जो पैराइटल बोन को टेम्पोरल बोन के साथ जोड़ेगा, इज़ नोन एज द स्क्वामसल सूचर विच आई डोंट टोल्ड यू, क्योंकि वो वहाँ मार्क ही नहीं था स्क्वामसल सूचर. ठीक है, यहाँ भी ये मार्क नहीं है स्क्वामसल सूचर. ओके, द ग्रेटर विंग ऑफ द स्फीनोइड यू आर सीइंग हेयर, द टेम्पोरल फोसा इज दिस द टेम्पोरल फोसा. कैन यू सी द जायगोमेटिक आर्च? ओके, यू कैन ऑल्सो डिवाइड दिस जायगोमेटिक आर्च फ्रॉम दिस पॉइंट इन टू सेक्शन. वट इज दिस सेक्शन नोन एज द टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ द जायगोमेटिक बोन एंड वट इज दिस सेक्शन द जायगोमेटिक प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन. ओके, दिस इज द ऑर्बिट, यू कैन डिवाइड इट इन होल ऑफ द, अगर आप सामने से देखेंगे तो ऑर्बिट को आप डिवाइड कर सकते हैं इजिली, सारी बोन्स देख सकते हैं, इट्स वेरी इजी. द मैस्टॉइड प्रोसेस, द स्टाइलॉइड प्रोसेस. ओके, दिस इज द मैंडिबल, द रेमस यू कैन सी, द ओब्लिक लाइन यू कैन ऑल्सो अप्रिशिएट, हेयर इज द ओब्लिक लाइन, दिस इज द ओब्लिक लाइन. यू कैन सी ऑल्सो द मेंटल फोरामेन. ओके, द मेंटल फोरामेन, द एल्वियोलर प्रोसेस, द मैक्सिला. ओके, द जायगोमेटिक बोन, यू कैन ऑल्सो सी द जायगोमेटिको फेशियल फोरामेन. अगर आपको दिख रहा है तो आप रिकॉग्नाइज कर दीजिए इस चीज को, द जायगोमेटिको फेशियल फोरामेन इज दिस दिस वन. ओके, नाउ ये जो है वो टेरिगोइड प्लेट्स के बारे में आपको बता रहा है, एंड दिस इज जनरली द लेटरल टेरिगोइड प्लेट एंड दैट इज जनरली द मीडियल टेरिगोइड प्लेट, डॉटेड में शो कर रहा है, जिसकी एक्सटेंशन जिसे हम बोलते हैं टेरिगोइड हैमलस. ओके, यू नो एवरीथिंग अबाउट ऑल दिस. ओके, सो वी कैन सी द लिगामेंट, दिस इज द हायर्ड बोन, स्टाइलो हायर्ड लिगामेंट, इट्स वेरी इजी. दिस इज द स्टाइलोइड एंड दिस इज द मैंडिबुलर, अंदर वाली साइड जाके अटैच होगी स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट. ओके, दिस इज द ट्रैकिया एंड दिस इज द थायरॉइड कार्टिलेज, दिस इज द ट्रैकिया. This is the trachea, okay, and this is the thyroid cartilage, this is the cricoid cartilage, ring shape, आगे वाली साइड से आर्च है, पीछे वाली साइड से लमाइना है. लेक्चर लूंगा इसके ऊपर भी मैं पूरा अच्छा एक्सटेंडेड लेक्चर. ये जो है वो हमारी हायर्ड बोन बॉडी, द लेजर हॉर्न, द ग्रेटर हॉर्न ऑफ द हायर्ड बोन. ओके, द यू कैन सी दिस बिटवीन द थायरॉयड एंड द बिटवीन द क्रिकोइड इज द मीडियन cricothyroid ligament, and between the thyroid and between the hyoid is what we have, the thyroid membrane. Thyroid membrane is picture ke andar aap nahi dekh sakte, that is cut portion. Okay, now if you can appreciate, this is the mandible, this is the condylar process, this is the coronoid process, this is the angle of mandible, this is the body of mandible, and what is this, the mandible foramen, and this is the alveolar process of the maxilla, this is the anterior nasal spine, this is the lateral bone, the nasal bone, this is the glabella, we have also an anasion here, this is the lamidoid suture, this is the coronal suture, and beech mein sagittal suture, which can you cannot see it, also seen in the top view. Okay, so ab ye slide bhi ho gayi hai and all slides are over from my side. You can comment if you want anything. Okay.
any explanation you want, you can comment it. Okay, thank you.